दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सरस्वती सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 बताने जा रहा हूं, जहां पर कि मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था कि जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आई, तो I को इसको Y को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट और X को कहते हैं रियल पार्ट। तो ये सब चीज़ मैं बता दिया था। अब मैं बता रहा हूँ कि फेज क्या है, फेजर क्या है। तो फेज जो है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। इफ X axis is replaced by real axis and Y axis is replaced by nari axis, then the plane is called an argand plane. ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस, बंधु फाई इज नोन एज फेज। तो मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे हम लोग प्रूफ करके आपको बताए थे कि एक्स इक्वल टू है आर कॉस थीटा, y इक्वल टू है r साइन थीटा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो बंधु व्हाट इज फेज, तो फेज जो होता है एंगल बिटवीन रियल और ये जो है आपका ये z जो है x प्लस आई वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर
और रियल एक्सिस के बीच के एंगल का नाम होता है फेज। तो यहां से मैंने कहा था थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई वाई एक्स। ये तो ठीक है बंधु, लेकिन ये मैं बता रहा हूं, अगर कोई कह दे रहा है आपसे जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो मेन होता है फेज निकालना। फेज कैसे निकालोगे, तो जरा इसको देखो गौर से। रियल एक्सिस ये है, इमेजिनरी एक्सिस ये हो गया है आपको एक्स, और ये हो गया है आई वाई। तो ये रिजल्टेंट जो होगा तो ये हो गया है वाई, ये हो गया है एक्स, और ये है आपका क्लॉक वाइज सेंस। तो ये हमने आपको बताया, फाई बराबर बताया टेन इनवर्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो एंटी क्लॉक वाइज को यदि हम प्लस फाई कहते हैं तो क्लॉक वाइज को माइनस फाई कहना होगा। तो ये तो ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ आपका। और ये आपका हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट की बात। अगर जेड हो माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक बात है, इसे आप गौर से देख लो। ये पहला क्लास जो बेसिक फंडामेंटल मैं पढ़ाया था उसमें बताया था ये y है, ये x है, ये r है। तो मैंने डिफाइंड किया था साइन थीटा को y बाई r, और कहा था बोलने के लिए कि साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा को कहा था एक्स वाई आर, ये था साइड एडजेसेंट टू थीटा बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा को कहा था वाई वाई एक्स साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइडेड बाई
side adjacent to theta. तो बंधु जब भी ट्रेंगल हो तो ये साइड जो होता है वह लेंथ को बताता है. तो मैं आपको अब कह रहा हूं ये आपका हो गया है रियल एक्स एक्सिस, ये हो गया है आपका इमेजिनरी एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस ये है रियल एक्सिस, और ये हुआ इमेजिनरी एक्सिस. अब देखिए एक्स जो है वो निगेटिव है, एक्स अपने आप में पॉजिटिव है. तो आप इधर जाएंगे तो ये एक्स होगा, और वाई जो है पॉजिटिव है तो ये आई वाई हुआ. तो इस प्रकार आप बनाओगे अब यहीं पर है आपको बंधु सोचना, मैं यहाँ के रियल एक्सिस से या तो एंटी क्लॉकवाइज में जाता हूँ या क्लॉकवाइज में जाता हूँ रियल एक्सिस से, लेकिन वो रियल एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन से या तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं या क्लॉकवाइज जाते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा. लेकिन अब हम लोग थीटा नहीं बोल के इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा. अब बताइए अल्फा बराबर होगा टैन इनवर्स अपोजिट साइड, यहां देख लीजिए बट ए बेस एट साइड एडजेसेंट, साइड अपोजिट टू थीटा, तो साइड अपोजिट टू अल्फा ये हो जाएगा आप ओ वाई बट ए साइड एडजेसेंट ये है आपको माइनस एक्स. लेंथ लिख रहा हूं तो इसे मैं अगर कहूं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हूं, आप इसे गौर से देखो तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं क्लॉकवाइज को देते हैं माइनस, तो हमको ये एंटी क्लॉकवाइज को प्लस क्लॉकवाइज को माइनस, तो एक माइनस साइन देना पड़ेगा. मैं इसे फिर से लिख दे रहा हूं, अल्फा लिख दे रहा हूं माइनस टैन इनवर्स वाई वाई एक्स. अब देखिए माइनस इसलिए दिया है कि हम ये क्लॉकवाइज सेंस को देते हैं माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को देते हैं प्लस. अब देखिए लेकिन फेज के लिए क्या होता है, हम लोग रियल एक्सिस से एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तो अगर रियल एक्सिस से जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये पाई हुआ, और फिर मैं इसको क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं दिस इज थीटा इक्वल टू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज को प्लस दूंगा, फिर क्लॉकवाइज माइनस होगा, तो ये हो जाएगा बंधु टैन इनवर्स वाई वाई एक्स. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एज फार फेज एंगल इज कंसर्न. दिस इज द फेज size in the second quadrant. तो बंधु इसे एक दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं,
This can be also written as this can be also written as. देखो बंधु, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज सेंस में गए तो क्लॉकवाइज को क्या कहना पड़ता है, माइनस पाई. क्लॉकवाइज सेंस में गए हैं तो थीटा कैन बी रिटेन एज माइनस पाई, और इसके बाद फिर गए हैं हम लोग माइनस टेन इनवर्स, माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. तो ये बंधु होता है क्या, एज फार प्रिंसिपल एंगल इज कंसर्न, तो न्यूमेरिकली हम लोग जीरो और पाई या जीरो और माइनस पाई के बीच फेज लेते हैं. तो जनरली फेज एंगल इज टेकन बिटवीन जीरो एंड पाई और जीरो एंड माइनस पाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू. दिस इज सेलेक्टेड, इसको सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये भी गलत नहीं है. लेकिन चूंकि पाई से मैग्नीट्यूड में ज्यादा एंगल फेज का हो रहा है, माइनस पाई में समथिंग जोड़ रहे हैं, इसलिए इसे लोग प्रीफर नहीं करते हैं. और दिस एंगल इज सेलेक्टेड. अब मैं आपको केस फोर बता रहा हूं. Case 4, representation of the complex number minus x minus iy. ये हो गया है real axis, ये हो गया बंधु इमेजिनरी एक्सिस. अब यहाँ पर एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, माइनस आई वाई है, ये एक्स है, तो इसे मैं बना सकता हूँ ये जेड है माइनस एक्स माइनस आई वाई. तो अब बंधु इसे मैं कह रहा हूं अल्फा. थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस. तो यहां से अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स, लेंथ लिखूंगा वाई बाई एक्स. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, बट दिस इज नॉट थीटा. थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस. तो रियल एक्सिस से या तो बंधु हम इधर जा सकते हैं, तो ये जाऊंगा तो हो जाएगा आपको कितना, दिस इज थीटा, तो थीटा लिखूंगा मैं तो क्लॉकवाइज में जा रहा हूं माइनस पाई, और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में आया तो प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. तो ये बंधु आपका हो गया, बट इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, इसे मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन द
एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये बंधु हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स पाई बाई एक्स। ये भी सही है, लेकिन एज फार एज द प्रिंसिपल वैल्यू इज कंसर्न दिस इज सिलेक्टेड। और इसे लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये पाई से इसका वैल्यू ज्यादा है, तो लेकिन ऑल्दो इट इज राइट बट दिस इज इक्वेशन 4' इज सिलेक्टेड एज फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फेज एंगल इज कंसर्न। तो बंधु मैं समझता हूँ आप लोग जरूर हमारी बात को समझे होंगे, तो मैं आज इतना ही रखता हूँ, फिर हम मिलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।